सत श्री अकाल, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और हमारे प्लाजो की लेंथ है 36 इंच और कुर्ती की हिप है हमारी 21 इंच। हम कुर्ती की हिप के अकॉर्डिंग ही प्लाजो के ऊपर का फेर रखेंगे। तो पहले हम कपड़े को खोल लेते हैं। हम कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे, अंदर की तरफ सीधा है तो हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो इस तरफ हमारे कपड़े की लंबाई है और इस तरफ चौड़ाई है और ये 2.5 मीटर हमारा कपड़ा है। तो हम इस कोने से कपड़े को नहीं पकड़ेंगे, इस तरफ मैं 2 पीस हैं तो हम दूसरी तरफ पीस को पकड़ेंगे। इधर इस कोने से हम ऐसे पीस को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, तिकोना फोल्ड कर लेंगे। तिकोना फोल्ड कर लिया है तो इधर हम ऊपर जो है वो प्लाजो का फेर रखेंगे। इधर लंबाई होगी और उधर हमारा जो ऊपर प्लाजो के नीचे का घेरा वो तैयार होगा। तो पहले हम यहाँ पर ऊपर फेर रखेंगे। तो हम यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगा लेते हैं। 13.5 इंच हमारा फेर जो है वो तैयार होना चाहिए। जैसे हम लाइन लगा लेते हैं 16 इंच, क्योंकि कुर्ती की हिप हमारी 21 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 13.5 तैयार है फेर। तो ऐसे हम 14.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे गोलाई में और ऐसे हम 1/2 इंच नीचे रखकर ऐसे इंची टेप को घुमाकर जो हमारा फेर है वो 13.5 तैयार आ रहा है। अब हम हमारी जो ऊपर लास्ट आएगी वो एक्स्ट्रा कपड़े हम लगाएंगे। तो 1 इंच हम ऊपर रख लेते हैं इंची टेप को और हम प्लाजो की लंबाई जो है वो 36 इंच रख लेते हैं। ऐसे हम 1 इंच ऊपर रख कर निशान के ऐसे पूरे नीचे 36 इंच पर निशान लगा लेते हैं। ऐसे हमारा पूरे घेरे में जो है वो निशान लग जाएंगे। और अब हम यहाँ पर आसन रखेंगे अपनी तरफ। इधर हम यहाँ पर आसन रख लेते हैं, 1 इंच ऊपर रखना इंची टेप को और 14 इंच पर निशान लगा लेते हैं और 1 इंच रखेंगे इधर अंदर की तरफ। अब हम इस निशान से उस निशान से कोने से मिला देते हैं। अब यहाँ एक हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे प्लाजो कटिंग हो गई है और इधर से जो हमारा ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ से हम कपड़े कट कर देते हैं। यहाँ हमारा जोड़ आएगा तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हो इसका हम जोड़ डालेंगे। तो इसे फोल्ड करके रख लेते हैं, इसके ऊपर हम रख लेंगे। 1/2 इंच ऊपर रखना है हमने और नीचे देख देख कर ऊपर हम निशान लगा लेते हैं या हमने कटिंग करनी है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और ऐसे हमारे प्लाजो में है जो नीचे 2 जोड़ आएंगे तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं कि यह हमारे जोड़ आएंगे। तो इस तरह हमारे जहाँ जोड़ आएंगे तो हम यहाँ पर इस कपड़े को ऊपर रख लेते हैं, जोड़ आएगा जहाँ और इस कपड़े को इसके ऊपर दोनों तरफ हम जोड़ डाल लेते हैं। तो इस समय दोनों जोड़ों में है जो सिलाई लगा लेते हैं। अब अगर आपने अभी तक हमें वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और
इसी तरह हम दूसरे जोड़ में सिलाई लगा लेते हैं। और अब हम एक तरफ जो है वो आसन जोड़ लेते हैं। हम एक तरफ का आसन जोड़ेंगे, दूसरी तरफ का हम बाद में जोड़ेंगे, पहले हम इलास्टिक लगाएंगे ऊपर। तो हमने एक तरफ का जो आसन है वो जोड़ लिया है, और इस तरह हम जब बाद में जोड़ेंगे तो पहले हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है तो हम ऐसे इंची टेप से देख लेते हैं। हमारा जो 26 इंच आ रहा है तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा ऊपर से बचा हुआ था इसको खोल लेते हैं, और 4 इंच हम जो चौड़ी पट्टी रखेंगे, ये हमारे ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा पट्टी लगती है, इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे तो इसको हम कट कर लेते हैं। इस पट्टी को इसके ऊपर रखकर फिर से एक पट्टी को कटिंग कर लेंगे। तो हम जो है वो 3 पट्टियों कटिंग कर लेते लेंगे तो इसके ऊपर एक और रख लेते हैं फिर से, और ऐसे हमारी जो है 3 पट्टियों कटिंग जो है वो हो जाएगी। तो अब हम इन पट्टियों को है वो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा तिरछा है तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसके ऊपर रखकर यहाँ पर जोड़ डाल लेते हैं। और ऐसे हम पूरी पट्टी को जो है वो तैयार कर लेंगे। और अब जो हमारा दूसरा आसन है इसके अंदर की तरफ जो है हम प्लाजो के अंदर की तरफ हमने जो पट्टी रखनी है तो ऐसे हम पूरी पट्टी पर जो है सिलाई लगा लेते हैं 1/2 इंच। इस पट्टी को हमेशा हमने प्लाजो को जो हमारे अंदर की तरफ है वहाँ ही लगानी है, और सीधी तरह हमारी जो पट्टी जो है वो लग जाएगी फिर से। तो इस तरह हमने पूरी पट्टी जो है वो लगा ली है। अब हमने ये इलास्टिक ली है और जिसकी चौड़ाई है 1 इंच है, और ये हमने डबल फोल्ड करके रखा है, और इसका जो लंबाई है वो 14 इंच है। 14 इंच हमें ठीक है क्योंकि 21 इंच हमारी हिप है। तो इस पट्टी के ऊपर हम रखेंगे जैसे डबल फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा देंगे। एक बार वो बता देते हैं, जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर हमने रखना है इलास्टिक को, ऐसे डबल फोल्ड करके जो सिलाई लगाई उसके ऊपर हम सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पर पहले इलास्टिक पर सिलाई लगा लेते हैं इधर, ताकि हमारी इलास्टिक उधर तक खिसके ना। तो ऐसे अंदर रख कर इलास्टिक में हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह ऊपर पूरे फेर में जो है वो हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। हमारी इलास्टिक जो है वो छोटी आएगी तो हमें इलास्टिक को फिर खींचना पड़ेगा। तो पहले जितनी जितनी आ रही है पहले हम उतनी सिलाई लगा लेते हैं। अब जो हमारी इलास्टिक छोटी पड़ गई है तो हम इलास्टिक को खींच लेते हैं ताकि हमारी इलास्टिक पूरी हो जाए। और ऐसे हम पूरी पट्टी जो हमें सिलाई लगा लेते हैं। और दूसरी तरफ भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, और इलास्टिक ऊपर हमने सिलाई लगाई है। तो अब सेंटर में हम जो है वो सिलाई लगाएंगे, तो जो हमने चुन्नट डाली है उनको बराबर कर लेंगे पूरा पूरे घेरे में। तो हम इस इलास्टिक को खींच कर जो इसके सेंटर में सिलाई लगा देते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा आसन रह गया था जोड़ने के लिए, अब हम इस आसन को भी जोड़ लेते हैं। जैसे इलास्टिक के ऊपर हम पहले सिलाई लगा लेंगे, इधर ऊपर से सिलाई शुरू करनी है। जैसे हमारी इलास्टिक लग गई है और हमने आसन में ऐसे जुड़ गए हैं, तो ये हमारे बीच की जो सिलाई है हम जहाँ पर सिलाई लगाएंगे अब, तो हम यहाँ नीचे सिलाई शुरू करेंगे। और ऐसे हम इधर आसन बराबर होने चाहिए और यहाँ तक नीचे तक हम सिलाई लगा लेते हैं।
इस तरह हमारी सिलाई लग गई है। तो अब जो हमारा नीचे का घेरा है प्लाजो का, अब हम यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो हम एक छोटा सा फोल्ड करेंगे, एक बार ही फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। पहले हम एक फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ऐसे पूरे घेरे में हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। हमें बारीक ही फोल्ड करना है। और हमने ऐसे सिलाई लगा ली है, अब एक बार वो फोल्ड करेंगे हम। अब इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा लेते हैं। नीचे जो सिलाई लगती है पहले एक बार फोल्ड करके लगती है, फिर ऊपर फोल्ड करके लगती है। डबल फोल्ड करके सिलाई अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह हम पूरे घेर में सिलाई लगा लेते हैं और दूसरे घेर में भी हम ऐसे ही जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो हमने नीचे घेर में सिलाई लगा ली है और हमने प्लाजो को सीधा करके रख लिया है। तो इस तरह हमारा जो है प्लाजो तैयार हो गया है। तो इस तरह हमारे जो अम्ब्रेला प्लाजो का नीचे का घेर है जो वो तैयार हुआ है। दोनों तरफ इससे घेर आ गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के